بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि आज अपनी इस मादरे हिंदी में हाजिरी का शर्फ और सआदत हासिल हो रही है। हमारी हाजिरी कतई मेहमान खुसूसी की हैसियत से नहीं है। हम तो अपने हजरत उस्ताद मोहतरम हजरत वाली साहब जी मजदूर के हुक्म पर तालिबे इल्म की हैसियत से इस सआदत को हासिल करने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक हमारी इस मुबारक नस्बत को सारी ज़िंदगी हमारे साथ कायम और दायम रखे और हजरत उस्ताद मोहतरम की उम्र में सेहत में अल्लाह पाक खूब बरकतें नसीब फरमाए। आज इस खूबसूरत मंजर को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25 तलबा हिफ्ज़े कुरान की तकमील कर रहे हैं। अपना वो वक्त भी आज बहुत शिद्दत से याद आया 1996 में, जब इसी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाली साहब से हिफ्ज़े कुरान की तकमील की सआदत हासिल हुई थी। उस वक्त हमारे हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि हयात थे और उनकी खुशी की जो कैफियत थी, सुरूर की जो कैफियत थी, वो बयान से बाहर है। इसलिए वो जो तकमील की तकरीब थी, ऐसा महसूस होता है जैसे कल की बात हो। और हमारे नाना जान थे हजरत मौलाना हबीबुल्लाह अल-अब्बासी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये अच्छी तरह याद है कि पहले हमारे बरादरे गिरामी भाई फजलुर रहमान साहब ने तिलावत फरमाई थी। उसके बाद हमारे मामू जान हजरत अक़दस हजरत मौलाना शमसुर रहमान अल-अब्बासी साहब का फिजाउल्ला का बयान हुआ था। फिर हजरत मौलाना हबीबुल्लाह अल-अब्बासी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई थी। वो खुशी की तकरीर बिल्कुल आज आंखों के सामने है और वो कैफियत सुबह से दिल में बार बार ताज़ा हो रही थी। हजरत वालिद साहब भी चले गए और हजरत नाना जान हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी चले गए। अल्लाह पाक हमारे तमाम बुजुर्गों की कामिल दर्जे में मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फरमाए। दूसरी बात यह है कि ये शुक्र का और कदर का मौका है। आज हमारे अंदर अमूमी तौर पे जो मरस और बीमारी पैदा हुई है वो नामदी की है। चूँकि ये माहौल, ये सिलसिले, ये हिफ्स के मकातिब, उसूल इल्म के मदारिस, ये चीज़ें हमें बड़ी सहूलत के साथ, राहत के साथ, आराम से मुयस्सर है। हर जगह, हर इलाके में, हर मोहल्ले में ये सारे सिलसिले बड़ी आसानी के साथ दस्तियाब हैं। इंसान की फितरत और मिजाज ये है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी नाकदरी का मिजाज पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन यकीन करें, आगे जो हालात दरपेश हैं उसका इदराक करके हमें इन मुबारक सिलसिलों
बच्चों की कदर करनी होगी और अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हम उस बुकिस्तान गए 1.5 साल पहले और उलमा की मजलिस है, हमारे अकाबिर बड़े तशरीफ फरमा है। हर मुसलमान को इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को अल्लाह पाक ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नबूवत के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए मुमकिन फरमाया। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक को बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, जज्बे के साथ जमा करने वाले जितने हजरात हैं वो सब के सब वो थे कि इल्ला माशाल्लाह उनमें से किसी का ताल्लुक भी अरब के इलाके से नहीं। अल्लाह की शान देखें, इल्म सारा अरब से आया, कुरान भी, हदीस भी, फिका भी, लेकिन उसको जमा करने का, उसकी हिफाजत का सारा इंतजाम कहां पर हुआ? अजम में। हमारे यहां किताबों में उसको मावरा नहर कहते हैं। मावरा नहर जो आजकल हमारी आजाद रियासतें, सोवियत यूनियन जब टूटा तो ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के जितने इलाके हैं, इस उम्मत के तमाम मुहद्दिसीन का ताल्लुक इन्हीं इलाकों से। और फिर सबसे बड़े मुहद्दिस कबीर जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं, इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल-बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ताल्लुक भी समरकंद से है जो उज़्बेकिस्तान का इलाका है। समरकंद में हजरत की कब्र है। तो हम जब गए, मैं आपसे इसी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां पे समरकंद में एक बहुत कदीम मदरसा है, उसको उसका नाम है मदरसा कोकलदाश। कोकलदाश इस मदरसे में खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तालीम हासिल की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मदरसे की एक शक्ल मौजूद है। तो वहां के जो तलबा थे बड़े पुरानी चेहरों वाले, लेकिन वहां दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं, अभी भी नहीं। 40 साल के बाद इजाजत होती है, वो भी आपको सरकारी सजा पर इजाजत लेनी पड़ेगी। आज तो हम इन चीजों को मामूली समझते हैं, अगर वहां समझते हैं तो वहां के जो तलबा थे हदीस पढ़ने वाले, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो अरबी में तकल्लुम करते थे। वो जब हमसे मिले, पूछा कि आप हजरत कहाँ के पढ़े हुए हैं, क्या किताबें पढ़ी है? हमने बताया कि हम जामिया नवी टाउन के फुजला हैं और हमारे उस्ताद फला है, फला है, फला है। तो वो तलबा हमसे कहने लगे कि आप लोग कितने खुश नसीब हैं, हदीस की ये सारी किताबें जो आपने अपने असातिज़ा से पढ़ी हैं, ये जमा यहाँ हमारे इलाकों में हुई, मेहनत इस पर यहाँ हुई है, लेकिन हमने इसकी नाकदरी की, अल्लाह पाक ने वो इल्म यहाँ से उठाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिया। आप हजरात के पास हदीस की इन किताबों का इल्म आज है और हम इससे महरूम हैं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपने इन मुबारक सिलसिलों की, इन मकातिब की, इन मदारिस की, इन मसाजिद की, इन इल्मी हलकों की कदरदानी करनी पड़ेगी। इसको इतना हल्का और आसान लेकर और एक ऐसे इस नज़र से देखना जैसे हम थर्ड डिग्री के लोग हैं, तीसरे दर्जे के। इस पर जो मुसीबत और वबाल अल्लाह की तरफ से आ सकता है, मैं और आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो आज की ये मजलिस सिर्फ एक खुशी की मजलिस नहीं, बल्कि एक शुक्र और कदर की मजलिस थी। तीसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन बच्चों को, इन साथियों को, इन तलबा अजीज को हिफ्ज़े कुरान की नेमत से मालामाल किया है, जो एक मुसलमान की जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक की सिफत रहमत का सबसे बड़ा मजहर है। ये याद रखें,
सूरह रहमान जो कुरान करीम की मशहूर और मारूफ सूरत है 27वें पारे में, आप हजरत गौर करें उसकी पहली आयत क्या है, अर-रहमान, ये अल्लाह का सिफाती नाम है। अर-रहमान वो ज़ात जो रहम से भरपूर है, भरपूर है। सिफत रहमत के बाद सबसे पहला तज़किरा अल्लाह ने किस चीज का फरमाया, अल्लमल कुरान, फरमाया उस रहमान ज़ात की सबसे बड़ी रहमत यह है कि उसने इस इंसान को, इस आखिरी उम्मत को कुरान की तालीम दी। हमारे उलमा ने इसमें नुक्ता लिखा कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने का अगर कोई और हल होता और कोई और रास्ता होता तो अर-रहमान के बाद अल्लाह पाक उसको जिक्र फरमाते, लेकिन आप गौर करें अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है वो ज़ात जिसने कुरान करीम की तालीम से इस इंसान को, इस आखिरी उम्मत को माना माना। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है और खुशनसीब है वो वालिदैन जो इस मजलिस में आज बैठे होंगे यकीन, जिनके बच्चों के सरों पे सफेद अमामे हैं, जिनको आज ये सआदत हासिल हो रही है कि उन बच्चों के सीनों में, उनके दिलों में वो पाकीज़ा कुरान महफूज हुआ है जो अल्लाह पाक की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। वालिदैन को इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। और याद रखें, बात ख़त्म यहाँ नहीं होगी, आपने अपने इन बच्चों की हिफाजत भी करनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हिफ्ज़ पूरा हो गया, चलो भाई अब बच्चा आज़ाद हो, उसने सब कुरान जो याद किया था भूल गया, असल मेहनत का मैदान अब शुरू होगा। इनको आप वक्त देंगे, रमज़ान की तैयारी अभी से करवाएंगे, जो तरतीब मदरसे से बनेगी उससे जोड़ देंगे, इनको आप तरावीह में अपने आगे खड़ा करेंगे, ये नेमत ज़ाया ना हो जाए। और दिल के अंदर ये जज्बात रखें कि आज मैंने वो अजीम नेमत हासिल की है कि जिसकी वजह से क़यामत के दिन अल्लाह पाक मेरे सर पर, इस बच्चे की वालदा के सर पे नूर का ताज रखे। चौथी और आखिरी बात, ये बात हज़रत क़ारी साहब ने फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो तकरीब है ये हमारे हजरत नाना जान हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक अल अब्बासी साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से पहली मरतबा हमारे इस मादरेमी में अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस और इस तकरीब की निस्बत हमारे हजरत की तरफ की गई है और इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए कि हम उनकी ज़्यारत तो नहीं कर सके थे, हमारी पैदाइश से 4 साल पहले वो दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन हमारी वालदा मुहतरमा हमें उनके हालात, उनके वाक़ियात सब वक्तन फ़ौक्तन बयान करती थी। उनको अल्लाह पाक ने जो तक़वा, जो तहारत, जो शौक़ लतीफ़ और जो गैरत ईमानी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने नाना जान की सारी सिफात अपने मांगों में, उनकी आल औलाद में अच्छी तरह देखी। ये उन्हीं दुआओं और तक़वा की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खूबसूरत मजलिस ये आमद है। अल्लाह पाक हमारे इस मुबारक सिलसिले को ताक़यामत जारी और सारी फरमाए। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया है अल्लाह उनके हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमाए, कि क़ारी साहिबान के खुसूस हमारे अदब उस्ताद मोहतरम को अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर नसीब फरमाए।